नमस्कार फ्रेंड, कुसुम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट चिकन मसाला करी। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हो, वही मसाला करी अपन बनाने वाले हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बना है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स कढ़ाई को अपन गर्म करेंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद में उसमें सरसों का ऑयल ऐड करेंगे। तो ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए उसमें तेज पत्ते ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, और उसी टाइम उसमें हरी इलायची और बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। और थोड़ी देर के लिए इसको फ्रेंड चलाएंगे अपन। प्याज हल्के ब्राउन होने तक इसको चलाएंगे। इसी टाइम फ्रेंड्स अपन इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। उसके बाद में अपने जो भी हाफ के जी अपना चिकन है उसको अच्छे से वॉश करके धो के और कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे और इसको तेल के अंदर फ्रेंड्स अच्छे से पकाएंगे। और बहुत ही स्वादिष्ट अपनी चिकन मसाला करी बनके तैयार होने वाली है। इसी टाइम फ्रेंड्स अपन इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और ये भुंधा हुआ जीरा ऐड करेंगे फ्रेंड्स, भुंधा हुआ पिसा हुआ जीरा ऐड कर देंगे। तो बहुत ही स्वादिष्ट अपनी चिकन मसाला करी बनके तैयार होने वाली है। ये फ्रेंड्स अपने बारीक पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है, इसको भी अच्छे से मिला देंगे। लगातार इसको 2-3 मिनट के अंदर चलाते रहें फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स कश्मीरी मिर्ची यूज कर रहा हूँ, तो कश्मीरी मिर्ची इससे बहुत ही स्वादिष्ट अपना सब्जी बनता है। बहुत ही अच्छा कलर आता है चिकन का और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चिकन मसाला करी अपनी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होने वाली है। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक और शेयर करना भूलें फ्रेंड्स। कमेंट तो फ्रेंड जरूर करें ताकि मुझे पता चल सके मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है नहीं। बेल आइकन को फ्रेंड जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कश्मीरी मिर्ची से बहुत ही स्वादिष्ट अपनी सब्जी बनती है। तो ये फ्रेंड्स अपन लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। मैंने अच्छे से इसको मिक्सी के अंदर ग्राइंडर में पीस लिया है। अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट ये भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए अपना बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो बहुत ही स्वादिष्ट अपनी चिकन मसाला करी बन के तैयार होने वाली है। तो इसमें फ्रेंड अपन टमाटर की जगह दही यूज कर रहा हूँ, दही से बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। तो आप भी दही यूज करें, खटाई आप चाहो तो टमाटर से भी खटाई थोड़ी हल्की आ सकती है, लेकिन मैं दही यूज कर रहा हूँ फ्रेंड, दही से बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी करी आई है, बहुत ही स्वादिष्ट अपनी चिकन मसाला करी बन के तैयार होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। कोई भी कमेंट सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये फ्रेंड्स ग्रेवी के अनुसार अपने को इसमें पानी ऐड करना है, तो पानी हमेशा गर्म ऐड करें फ्रेंड, ठंडा पानी नहीं डालें। ठंडे पानी से इसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। और ये फ्रेंड्स इसमें गरम मसाला ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा कलर आया है अपना, बहुत ही स्वादिष्ट अपनी चिकन मसाला करी बनके तैयार होने वाली है। तो बीच बीच में इसको चेक करते रहें, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक और शेयर करना भूलें फ्रेंड्स। कमेंट तो फ्रेंड जरूर जरूर करें ताकि मुझे पता चल सके मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही। बेल आइकन को फ्रेंड जरूर जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी अपनी चिकन मसाला करी बन के तैयार हुई है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कोई भी कमेंट सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी ग्रेवी इसकी बनके तैयार हुई है। देखिए फ्रेंड्स
ये जो चिकन है ये हड्डी छोड़ने लगा है, तो मतलब ये अब ये परफेक्ट तरीके से पक चुका है, इसको ज़्यादा भी निकलाना है। और अभी अब हरे धनिया से इसको गार्निश करेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट अपनी चिकन मसाला करी बनके तैयार हुई है। हरे धनिया से इसका स्वाद दुगुना हो जाता है फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी लाजवाब लग रही है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल और कमेंट तो फ्रेंड जरूर जरूर करें, ताकि मुझे पता चल सके मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही। और बेल आइकन को फ्रेंड जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों, बाय।